फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस प्रथम एंड मॉम। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि कितने अच्छे से मेरा 3 साल का बेटा 300 प्लस स्पेलिंग्स बोल रहा है। और अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वो जरूर देख लेना। बच्चा स्पेलिंग्स तभी याद कर सकता है जब वो स्पेलिंग्स को समझ कर रीड करने लगे, समझ कर मतलब स्पेलिंग्स का फॉर्मेशन उसको समझ में आने लगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे को बेसिक स्पेलिंग्स का फॉर्मेशन कैसे सिखाना है। इस वीडियो में मैं आपको दूंगी एक ओवरऑल आइडिया बच्चे को स्पेलिंग्स सिखाने के लिए, और इन फ्यूचर मैं अपने चैनल पे बच्चे को इंग्लिश सिखाने के रिलेटेड हर एक टॉपिक पे डिटेल वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहली चीज जो आपको बच्चे को सिखानी है वो है फोनिक्स, यानी कि हर एक अल्फाबेट का साउंड आपको बच्चे को बताना है। जैसे कि ए का साउंड होता है ए, बी का साउंड होता है ब। बच्चे को ये फोनिक्स साउंड सिखाने की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। स्टेप टू, हर एक अल्फाबेट का साउंड इंट्रोड्यूस करने के बाद आपको बच्चे को बताना है कॉन्सोनेंट और वोवेल को मिक्स करके जो साउंड बनता है वो, यानी कि बी ए होता है बे, बी ई बे, बी आई बी, बी ओ वो, बी यू बू। इस तरह से हर एक साउंड बताना है। आप उसका एक चार्ट बना लीजिए और घर पे लगा दीजिए और बच्चे को उस तरह से पढ़ाइए। स्टेप थ्री, अब आप बच्चे को सीबीसी वर्ड सिखा सकते हैं। सीबीसी मतलब जिसमें होता है कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट, जैसे कि कैट, मैट, मैप, इस तरह के वर्ड्स आप बच्चे को बताएं। स्टेप फोर, सीबीसी वर्ड्स का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप बच्चे को वो साउंड्स बताएं जो दो कंसोनेंट को मिक्स करने से बनते हैं, जैसे कि के एच ख, सी एच च, और उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स बनते हैं सिंपल वो आप बच्चे को बताएं, जैसे कि चैट, चीज, इस तरह के वर्ड उनको बताएं। स्टेप फाइव, अब आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करें वो साउंड्स जो दो वोवेल को मिक्स करने से बनते हैं, जैसे कि डबल ओ होता है उ, डबल ई होता है ई, ए आई होता है आई, इस तरह के साउंड, और उससे रिलेटेड वर्ड्स जैसे कि रेन, रूफ, इस तरह के वर्ड्स उनको बताएं। ये सब सिखाने के बाद बच्चा रेडी हो जाता है स्पेलिंग्स रीड करने के लिए। अब आपको ये करना है कि कोई भी पिक्चर दिखाकर उसका स्पेलिंग आपको धीरे धीरे रीड करना है। जैसे कि ग्रीन का स्पेलिंग है तो बोलना है ग र इ न। तो इस तरह से जब बच्चे को आप बताएंगे तो बच्चे समझेंगे कि ग्रीन स्पेलिंग कैसे बनता है। तो जैसे ही वो समझने लगेगा तो उसको याद रखने में उसको बहुत ही आसानी होगी। बहुत टाइम तक ये प्रैक्टिस करने के बाद आप वर्ड्स को स्लोली प्रोनाउंस करें और बच्चे से कहें उस स्पेलिंग को लिखने के लिए, या फिर इस तरह के टॉयज से वो स्पेलिंग बनाने के लिए उनसे कहे। और जरूरी नहीं है कि आप उनको बुक्स से ही पढ़ाएं, आप उनको टीवी की एड्स, घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स के नाम, या फिर कहीं कोई होर्डिंग लगा हुआ है ये सब भी दिखा सकते हैं। पर हाँ, ये ध्यान जरूर रखिएगा कि उनका स्पेलिंग फॉर्मेशन सिंपल होना चाहिए। ये नहीं करना है कि पहले ही आप उनको टेंशन, नाइफ, इस तरह के वर्ड्स दिखाएं, उससे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो रूल्स आपने सिखाए हैं उसी रूल से जो स्पेलिंग्स बनते हैं वही आप उनको स्टार्टिंग में दिखाएं। और एक चीज जो मैंने मेरे बेटे के साथ की थी वो ये है कि मैंने उसको हिंदी वर्णमाला 12 खड़ी, उसका इंग्लिश फॉर्मेशन भी उसको सिखाया था, उससे भी मुझे काफी ज्यादा हेल्प रही थी। और कुछ स्पेलिंग्स को रट्टा भी मारना पड़ता है, रट्टा मारने की भी एक स्पेशल टेक्निक होती है, वो भी मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी। और उसी के साथ साइट वर्ड्स, सीवीसी, फोनिक्स, यानी कि बच्चे को इंग्लिश सिखाने के रिलेटेड हर एक टॉपिक पे मैं अपनी चैनल पर वीडियोस लाने वाली हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।